चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। कलर्स के चर्चित शो बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत जल्दी होने वाली है। शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पिछले कई सालों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे शो में आते जाते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मोनालिसा जैसे बड़े भोजपुरी नामों में से अब एक और नाम रानी चटर्जी का नाम भी शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी की इस नामी अभिनेत्री रानी चटर्जी को बिग बॉस 11 के लिए अप्रोच किया गया है। रानी चटर्जी ने भोजपुरी में कई बोल्ड रोल भी किए हैं और उन्हें काफी बिंदास भी माना जाता है। खबर है कि रानी चटर्जी भी शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद ही उत्साहित है और उन्होंने अपनी तरफ से रजामंदी भी दे दी है। वैसे बिग बॉस के नए सीजन के लिए फिल्मों और टीवी की दुनिया के कई बड़े नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इस बार घर के अंदर कौन कौन होगा ये सिर्फ लॉन्चिंग के दिन ही पता चल पाएगा। आपको बताते चले कि मुंबई में पली बढ़ी रानी चटर्जी ने अपना कैरियर कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। वो जब 10वीं क्लास में थी तब उनकी पहली फिल्म भो ससुरा बड़ा पैसे वाला 2004 में रिलीज हुई थी। अजय सिन्हा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रानी चटर्जी के साथ मनोज तिवारी लीड रोल में थे और उस वक्त रानी चटर्जी महज 16 साल की थी। कहा तो यहाँ भी जाता है कि रानी चटर्जी महज एक महीने में एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेती है। उन्होंने अपने 11 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं।